नमस्कार, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुनील मौर्य। एक्सरसाइज वर्कआउट व्यायाम आपको रोजाना करने हैं, ज्यादा नहीं तो थोड़े थोड़े। इससे पुराने वाले वीडियो में मैंने हड्डियों के बारे में बताया, कुछ जॉइंट्स के बारे में बताया, जैसे कि फिक्स ज्वाइंट, सिनोवियल ज्वाइंट, जो ज्वाइंट मूव होते हैं, जो ज्वाइंट आपस में खेल सकते हैं, मतलब जो ज्वाइंट आपस में मूव हो सकते हैं, हिल डुल सकते हैं, ऐसे ज्वाइंट्स को बोलते हैं सिनोवियल ज्वाइंट्स। जो ज्वाइंट फिक्स होते हैं, या तो मूवमेंट करते ही नहीं है, या तो थोड़ा बहुत मूवमेंट करते हैं, मतलब कि उसको हिलाना डुलाना उतना पॉसिबल नहीं होता है, या तो थोड़ा बहुत अपन हिला सकते हैं, या तो वो पूरी तरीके से फिक्स होते हैं। तो दो तरीके के ज्वाइंट के बारे में हमने बात किया, जो कि है फिक्स्ड ज्वाइंट, दूसरा होता है सिनोवियल ज्वाइंट। आज हम पढ़ेंगे सिनोवियल ज्वाइंट के बारे में। जैसे मैंने पहले बता दिया कि सिनोवियल ज्वाइंट क्या होता है, ऐसे ज्वाइंट जो दो ज्वाइंट को मिलकर बनते हैं, जो आपस में मूव हो सकते हैं, जो हिल डुल सकते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार आप उसे हिला डुला सकते हैं, ऐसे ज्वाइंट्स को बोला जाता है सिनोवियल ज्वाइंट्स। कुछ बेसिक 6 सिनोवियल ज्वाइंट हैं जो आपको पता होने जरूरी है। सबसे पहला जो है वो है हिंज ज्वाइंट, जो हमारे कोहनी में होता है उसको बोलते हैं हिंज ज्वाइंट। हमारे कोहनी में हिंज ज्वाइंट होता है। दूसरा होता है पिवट ज्वाइंट, जो हमारे गर्दन में होता है वो होता है पिवट ज्वाइंट, मतलब कि एक ऐसी कुंडी जैसी होती है, उसमें ऐसा एक हड्डी अटका होता है और ये आपस में घूम सकता है, मतलब हमारे जो गर्दन में एक डंडी लगी होगी और जो हमारा जो गर्दन का जो सराउंडिंग एरिया है वहाँ पे एक होल होगा, उसमें हमारी गर्दन आपस में मूव करती है। तो जो पिवट ज्वाइंट है उसका एग्जांपल है हमारा गर्दन, जो कि हमारा सर्वाइकल है जो मूव करता है, ठीक है। तीसरा जो ज्वाइंट है वो है प्लेन ज्वाइंट। प्लेन ज्वाइंट हमारे पैर में होता है, प्लेन ज्वाइंट हमारे टखने में होता है, टार्सस में होता है, जो कि सिंपल तरीके से प्लेन होता है। ये एक ज्वाइंट है, ये एक ज्वाइंट है, इस तरीके से खेलता है, इस ज्वाइंट को बोलते हैं प्लेन ज्वाइंट। चौथा जो सिनोवियल ज्वाइंट है उसको बोलते हैं कॉन्डिलाइट ज्वाइंट, जो कि हमारे रिस्ट पे होता है, रेडियस और अल्ना और कापस, इसको बोलते हैं कापस। जैसे कि आपने मेरे पुराने वीडियो में पढ़ा होगा कि इस जो ज्वाइंट है इसको बोलते हैं कापस, और ये होता है मेटाकार्पल, इसको बोलते हैं फैलेंजिस। तो कापस जो बोन होता है और रेडियस अल्ना को जो जोड़ता है वो सिनोवियल ज्वाइंट होता है, कॉन्डिलाइट ज्वाइंट। इसके बाद आता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। एक सॉकेट होता है और एक बॉल होता है, ये इस तरीके से मूव करता है। तो जो हमारा कंधा और हमारे हिप, इसमें जो सिनोवियल ज्वाइंट होता है उसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ये एक सारे ज्वाइंट में ये एक ऐसा ज्वाइंट है जो सब तरफ मूव कर सकता है, घुमा भी सकते हैं, उल्टा भी घुमा सकते हैं, उठा भी सकते हैं, गिरा भी सकते हैं, क्रॉस भी कर सकते हैं, पीछे भी जा सकता है, मतलब ये जो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है वो हर एक डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। सेम हमारा जो पैर है, जो हिप बोन होता है, यहाँ पे जो बोन होता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, इस ज्वाइंट को भी हम हर तरीके से मूव कर सकते हैं। छठवां जो होता है सैडल ज्वाइंट। सैडल ज्वाइंट ऐसा होता है, एक तरीके का कफ होता है और एक तरीके का उस पर ये ऐसा सॉकेट लगा होता है। तो ये ऐसा भी मूव करता है और हल्का सा स्लाइड भी मूव करता है, मतलब जैसे हमारा अंगूठा है वो घूमता तो है बट पूरा सर्कम दक्षिण में आप पूरा उसको सर्कल नहीं घुमा सकते, और अगर इस तरीके से उसको घुमाया जाए तो वो हल्का बस घूमता है, वो पूरी तरीके से पूरा जैसे गर्दन घूम जाती है पूरी, वैसे आपका अंगूठा नहीं हो सकता। तो ये है सैडल ज्वाइंट, जो कि छठवां सिनोवियल ज्वाइंट है। तो इस तरीके से 6 सिनोवियल ज्वाइंट है जो आपको पता होने चाहिए, और एक ही सिनोवियल ज्वाइंट से मिलकर कोई एक ज्वाइंट नहीं बनता है। किसी एक ज्वाइंट में एक या एक से ज्यादा सिनोवियल ज्वाइंट्स हो सकते हैं, जैसे कि घुटनों में। घुटने हमारे हिंज ज्वाइंट का एग्जांपल है, मतलब कि ये इस तरीके से मूव करता है, बट घुटने को हम इस तरीके से भी मूव कर सकते हैं, घुटने को ऐसा ही मोड़ सकते हैं, घुटने को ऐसा ही मोड़ सकते हैं। तो ये कॉन्डिलाइट ज्वाइंट का भी एग्जाम्पल है। तो दो तरीके के सिनोवियल ज्वाइंट मिलकर भी एक बड़ा ज्वाइंट बना सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ बेसिक सिनोवियल ज्वाइंट्स के नाम है जो आपको पता होने चाहिए। ये जॉइंट्स का पता होना इसलिए आपको जरूरी है क्योंकि अब जब तक अपने को जॉइंट्स का पता नहीं होगा कि हम हमारी बॉडी में किस किस तरीके के जॉइंट्स हैं, तो हम मूवमेंट को कभी भी नहीं समझ पाएंगे। मूवमेंट का मतलब होता है हम जो हाथ ऊपर करते हैं, हम जो हाथ नीचे करते हैं, हम जो बॉडी को इधर घुमाते हैं, बॉडी को इधर घुमाते हैं, हम जो पैर ऐसा उठाते हैं, जो पैर ऐसा उठाते हैं,
ये सारा हमारे बॉडी का मूवमेंट होता है, तो हर एक मूवमेंट को एक अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि हमने 6 तरीके के सिनोवियल जॉइंट्स देखे हैं। सबसे पहला है हिंज जॉइंट, दूसरा है पिवट जॉइंट, तीसरा है सैडल जॉइंट, चौथा है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पांचवा है ग्लाइडिंग जॉइंट जिसे हमने प्लेन जॉइंट के नाम से पढ़ा है, और छठवा है एलिप्सॉइड जॉइंट जिसे हमने कॉन्डिलॉइड जॉइंट के नाम से पढ़ा है। और मूवमेंट पढ़ना इसलिए भी जरूरी है हमारे लिए क्योंकि हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो मूवमेंट और पोजीशन यानी कि मूवमेंट और पोस्चर का सबसे मेन रोल रहता है। किस वेट को या कौन से बॉडी पोस्चर को कितने मूवमेंट तक ले जाना है तो उस तरीके से आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर बनेगा। तो मूवमेंट पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आने वाला जो वीडियो है वो मूवमेंट के बारे में होगा कि कितने तरीके के मूवमेंट हम अपने बॉडी के साथ परफॉर्म कर सकते हैं, वो भी बेसिक ही बताऊंगा क्योंकि उससे ज़्यादा हमको जानने की ज़रूरत ही नहीं है। हर चीज़ों पे मैं बेसिक में ही इसलिए जाता हूँ क्योंकि उससे ज़्यादा आपको ज़रूरत ही नहीं है आपकी बॉडी के बारे में जानने की। अगर आप उतना ही जान लिए तो भी आप एक अच्छी फिजिक बना सकते हैं, एक अच्छी फिटनेस अचीव कर सकते हैं। तो फिट रहिए, मस्त रहिए, मिलते आने वाले हर वीडियोज में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, बाय बाय। मस्त गोरा दिख रहा हूँ यार।